हेलो हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे लाइट। दिस इज ए लेक्चर नंबर 3। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 2 बिफोर वॉचिंग पार्ट 3। पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो तभी यह समझ आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे लेक्चर की, और इसमें हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कितने तरह के होते हैं, इन सब बातों की आज चर्चा करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जैसे स्फेयर टाइप का कोई चीज हो, एक स्फेयर है, उसी को मिरर के रूप में बनाया गया। पिछली क्लास में हमने बताया था कि मिरर कुछ होता नहीं है, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसके एक साइड सिल्वराइज्ड किया जाए, यानी कलराइज्ड किया जाए। तो सिल्वराइज्ड करने का मतलब ये है कि सिल्वर का एक लेप लगाया जाता है दूसरी तरफ, या पूरी तरह से उसको ब्लैक किया जाता है, कलर्ड किया जाता है किसी भी तरह का, चाहे ब्लैक कलर हो चाहे रेड कलर हो, सो दैट कि लाइट दूसरी तरफ जा ना सके, लाइट को रिफ्लेक्ट करना ही पड़े। तो लाइट बताया था जैसे आपको कि लाइट कई तरह की बॉडी होती है, एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है। तो रिफ्लेक्टिंग बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको दूसरी तरफ से कलर करते हैं ताकि लाइट पास न करे, डार्क कलर। और सिल्वराइज इसलिए करते हैं, सिल्वर का एक पतली सी लेयर दूसरी तरफ इसलिए लगाते हैं ताकि गुड रिफ्लेक्टर की तरह काम करे। तो ये सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं। आज हमें स्फेरिकल मिरर की बात करनी है, और स्फेरिकल मिरर में क्या करना है हमें कि ये किस तरह का मिरर होगा। तो ये स्फेरिकल मिरर होगा। पहले हमने बात किया था प्लेन मिरर के बारे में कि एक प्लेन मिरर होता है और उस पे इमेज बनता है। जैसे ड्रेसिंग टेबल का एग्जांपल दिया था कि उसमें कैसे इमेज पर फॉर्मेशन होता है। तो प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम सीख चुके हैं। आज बात होगी स्फेरिकल मिरर की। तो ऑफकोर्स जैसे नाम है उसी तरह से इसका डेफिनेशन भी होगा कि स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। एक स्फेयर का ही पार्ट होता है, कोई स्फेयर का टुकड़ा है, हॉलो स्फेयर का। सॉलिड स्फेयर का तो टुकड़ा होगा, तो उसमें जब आप कट करोगे तो क्या होगा कि प्लेन सरफेस मिलेगा, और हॉलो स्फेयर का अगर टुकड़ा काटोगे अंदर से वो कर्व मिलेगा, ऐसा मिलेगा अंदर से, और बाहर से भी कर्व होगा। तो अंदर से भी कर्व होगा और बाहर से भी कर्व होगा। तो ये मिरर के रूप में काम कब कर सकता है? अगर ये हॉलो स्फेयर है तो ये मिरर के रूप में काम तब करेगा जब हम या तो इधर कलर कर दें या इधर कलर कर दें। एक साइड तो कलर करना पड़ेगा ताकि लाइट पास ना हो, है ना। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर इन विच वन साइड वन पार्ट इज सिल्वराइज्ड, यानी कलर किया हुआ हो, एक पार्ट उसका कलर किया गया हो, सिल्वर कलर किया गया हो, तब भी रिफ्लेक्ट करेगा, और पीछे से डार्क कलर कर देते हैं ताकि वो लाइट को पास न करने दे। तो इसको, इस प्रोसेस को सिल्वराइज कहते हैं। तो एक पार्ट होगा हॉलो स्फेयर का, पूरा एक स्फेयर है उसका एक पार्ट होगा। और ऐसा अगर स्फेयर है गोल और उसका ये पार्ट है, ये वाली पार्ट को अगर कलर कर दें तो ये वाली पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगी, अगर ये वाली पार्ट को कलर कर दें तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग होगी। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये धसा हुआ टाइप का हो सकता है। अगर धसा हुआ टाइप का ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इधर से कलर आपने कर दिया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट धसा हुआ है, केव की तरह। केव क्या होता है? गुफा, गुफा की तरह, यानी धसा हुआ। तो इस सरफेस को कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। और कॉनकेव पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो उस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इधर से आपने कलर कर दिया, तो ये उठा हुआ पार्ट है, वैक्स, है ना। तो इस तरह के, अगर ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इस तरह का मिरर है, आपका लाइट इधर से आ रही है और इस तरह का मिरर है, तो इसको हम कहेंगे कॉनवेक्स। तो दो तरह के मिरर होंगे, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर, है ना। तो पहले स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। इसी बात को हम थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं। तो
और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है। तो शुरुआत करते हैं, और ये आज का चैप्टर है कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक का नाम है। हम लोग शुरू कर चुके हैं, दो लेक्चर हो चुका है, आज ये तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि लाइट स्फेयर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। सो वी कैन राइट स्फेरिकल, यू मस्ट राइट, नोट डाउन इट, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर हुज वन साइड, वन ऑफ इट्स साइड इज सिल्वराइज, राइट, वन ऑफ पार्ट इज सिल्वराइज, दैट इज कलर्ड, राइट ना, एक पार्ट कलर्ड किया गया हो। तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर हुज वन साइड इज कलराइज। तो अब ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, तो होलो स्फेयर का पार्ट होता है। इसका मतलब है कि स्फेयर अगर कोई होगा तो जरा सोचो, तो उसका एक सेंटर भी होगा, स्फेयर का एक सेंटर होगा, तो सेंटर को हम कहेंगे ऐसा। अगर ये कहें कि एक स्फेयर है, तो स्फेयर का पार्ट ये समझ लो कि इस तरह का कोई अगर स्फेयर है ये, और इसका ये इसको कट कर दिया जाए कहीं से, इसका एक टुकड़ा ले लिया जाए, तो इसका एक टुकड़ा लेंगे तो कैसा होगा, इसका एक टुकड़ा लेंगे तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा। इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, अगर हम कहें तो इस तरह का अगर पार्ट मिल रहा है और ये एक पार्ट दूसरी तरफ से कलराइज कर दिया जाए तो कैसा होगा। ये आपने कलर कर दिया, ये पार्ट है इधर की तरफ, ये एक टुकड़ा है इधर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, या इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ भी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ भी है, तो आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, डिपेंड करेगा, अभी हमने कहीं नहीं बनाया। ये मिरर हो सकता है, इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, तो स्फेरिकल मिरर, अभी जिस स्फेयर का ये पार्ट था उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ये मिरर को देखते हैं कि मिरर बनेगा कैसे। ये मिरर है, तो मिरर के अब इस पार्ट को अगर कलर कर दिया जाए तो इधर का जो पार्ट होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अगर इस पार्ट को कलर कर दी जाए तो इधर के पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना सकते हैं, है ना। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले स्फेरिकल मिरर के, बाद में कनकेव और कन्वेक्स पे जाते हैं, पहले ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो ये कहा कि एक स्फेयर का होलो स्फेयर का पार्ट है, तो होलो स्फेयर का पार्ट होने की वजह से ये किस तरह से, ये एक पार्ट है इसका, तो इसका सेंटर होगा ना कुछ, तो ये जो सेंटर होगा जिस होलो स्फेयर का ये पार्ट है, तो उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये एक सेंटर था उसका, तो इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कि इधर से हमने कलर कर दिया, इधर से कलर कर दिया, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा, ये पार्ट होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, एंड देयर फोर दिस मिरर इज कॉल्ड, दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर।
मीन्स कनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव सरफेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि कनकेव मिरर इज ए मिरर, यहाँ पे लिख देता हूं, और कनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कनकेव सरफेस। ठीक है, लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी में अगर हम ये कहें कि हमारा स्फेयर जो है वो कुछ इस तरह का, स्फेयर जो है वो कुछ इस तरह का है, और अब स्फेयर को हम थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये देखिए स्फेयर हमारा ऐसा है, और इस स्फेयर के पार्ट को अगर हमने वही कर दिया, यहां से कट कर दिया और ये कट हो गए। अब इसमें अगर हमने इधर से कलर कर दिया, इधर से कलर कर दिया, तो ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग पिंक सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। तो इस तरीके का ये उठा हुआ पार्ट जो है, वेक्स पार्ट जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इस तरह के मिरर को हम कहेंगे कनके कन्वेक्स मिरर, वेक्स पार्ट, वेक्स मीन्स वर्टेक्स, ऐसे समझो, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ऊपर की तरफ, तो वर्टेक्स वाली पार्ट जो है वो उठा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पार्ट, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, सच मिरर इज कॉल्ड, मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स सरफेस। तो दो तरह के मिरर होगा, चाहे ये हो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों ही किसी न किसी स्फेयर के क्या है, पार्ट है। तो स्फेयर के जिस पार्ट को हम कहते हैं, ये मिरर जिसका बनाते हैं, उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक टर्म आ गया, इसको समझने की जरूरत है, वो टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये समझने की जरूरत है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट, पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज यूजुअली, यूजुअली डिनोटेड बाई बाई कैपिटल सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर डायग्राम में बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होना चाहिए, आइए देखते हैं। डायग्राम में अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होना चाहिए, है ना, ये जिसका ये सेंटर, ये सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, मिरर इसका क्या है, एक पार्ट है, ये मिरर इसका एक पार्ट है ना। तो ये हमने कहा कि जिस, ये मिरर है हमारा और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर चाहे जैसा भी हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ये है हमारा मिरर। तो मिरर का सेंटर, जिस हॉलो स्फीयर का ये बना हुआ है, उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज सिर्फ दिखाने के लिए कि ये स्फीयर का पार्ट है, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये मिरर चाहे जितना बड़ा हो, उसका बीचों बीच का एक सेंटर तो होगा, उसका एक मिडिल तो होगा,
उस मिडिल को कहते हैं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको, उसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो पोल एक शब्द होता है, पोल। पोल क्या है? एक शब्द है पोल, पोल। ठीक है, ये जाने क्या है पोल क्या है। द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इसका मतलब है कि अगर ऐसा मिरर है कहीं, ये मिरर हमने बना दिया, ये मिरर है, इसको तो ये मिरर है और इसका ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है पी, तो इसको हम कहेंगे पोल, ये कहलाएगा पोल। ठीक है, ये कहलाएगा, ये जो है इसको कहेंगे पोल, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये है पोल। अब चाहे मिरर कैसा भी हो, इधर से कलर किया हो तब भी, इधर से चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ये पोल है। और पोल से होकर के और सेंटर से होकर के एक जो रे लाइन जाती है उसको हम कहेंगे, दिस लाइन पासेज थ्रू पोल एंड दिस, ये जो लाइन है पोल से होकर के जा रहा है, पोल से होकर के जा रहा है, और कहाँ से होकर के जा रहा है? सेंटर से होकर के जा रहा है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक टर्म और आ गया, वो है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? द लाइन पासेज थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया पोल और इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब अलग अलग दो तीन टर्म आपने सीख लिए कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पोल है। अब थोड़ा स्पेसिफिक पहले बात करते हैं कि कनकेव मिरर में क्या होता है और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। पहले फोकस डिफाइन करना चाहते हैं। फोकस एक टर्म होता है, फोकस। फोकस क्या है? देखिए, तो हम मिरर एक लेते हैं, मिरर कौन सा लेते हैं? ये लिया। ठीक है, अब ये स्फीयर का पार्ट है और ये आपने मिरर ले लिया, मान लेते हैं कि कनकेव भी ले लिया। तो ये कनकेव मिरर ले लिया हमने और इसको इधर से हमने कलराइज कर दिया। अब जरा सोचिए कि ऐसा करने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसमें होगा ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये है ना। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या हो गया? पोल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर में सी से, सेंटर इसका ये था तो ये सी हो गया। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पे रिफ्लेक्ट के लिए इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे आपको बता रखे हैं, इंसिडेंट रे इज रे विच फॉल ऑन द मिरर। सो अगर कोई पैरेलल एक्सिस में कोई रे ऑफ लाइट जाए यहां से तो क्या होगा? मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और यहां पर आ रहा है, तो यहां पे इसे, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसे जा रहा है, अब ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगा? इस तरफ तो जा नहीं सकता। इस तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उधर तो कलर किया हुआ है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल एक होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल क्या होगा? तो अगर कोई भी सर्कल होगा या स्फेयर होता है, ध्यान से समझें इसको, ये अगर आपका सर्कल है या स्फेयर है तो इस पे हर एक पॉइंट पे ये अगर टैंजेंट है कोई,
तो उस पे रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेडियस टैंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये अगर ये टैंजेंट है और ये इसका रेडियस है, तो ये हमेशा इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर। ये कुछ इस तरह का होगा, और रेडियस हमेशा जो होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस ये हो गया और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ हम करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट मिलाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो यहां से रेडियस कौन होगा, अब ये देखो, यहां से रेडियस होगा ये होगा, है ना, ये होगा यहां से रेडियस। तो रेडियस के लिए हम ये मान लेते हैं यहां से रेडियस होगा ये। तो ये रेडियस जो होगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब रेडियस जो होगा परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट किधर आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट इधर की ओर आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इधर की ओर आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट यहां से, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इधर की ओर आएगा। जस्ट ठीक है, चलिए ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर की ओर आएगा और ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही एक रो और भी हम रे ऑफ लाइट ले लें, ये रे ऑफ लाइट ले लिया इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट होकर गया, इसके लिए भी नॉर्मल क्या होगा, इसके लिए भी नॉर्मल होगा जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये नॉर्मल हो गया, है ना, तो ये नॉर्मल हो गया, और ये नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर इधर जाएगा और ऐसे जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेता हूं, डजंट लुक नाइस प्लीज, ये जो है अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इंतजार। हाँ तो ये हमने बना दिया थोड़ा सा ढंग से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और दूसरी तरफ नॉर्मल के साथ जो बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये देखा कि ये जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा क्योंकि नॉर्मल यही है, और नॉर्मल के साथ ही अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 0, यानी जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपको जितनी भी, एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर से गया है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गया, ये इधर से इंसिडेंट हुआ यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होकर के इधर से आ गया, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ से और रिफ्लेक्ट होकर के इधर से आ गया, तीनों ही एक पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और इसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी भी पैरेलल एक्सिस के पॉइंट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, सब रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से होकर के पास करेंगी। इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। तो फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द इंसिडेंट रे, वेयर ऑल द इंसिडेंट रे रेज ऑफ लाइट ऑल द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस मीट आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये हुआ, तो ये कहलाएगा फोकस। जितने भी पैरेलल एक्सिस होंगे, यहाँ पे ये लिया जाए तो ये भी ऐसे आएगा, यहाँ पे लिया जाए तो ये भी ऐसे आएगा। तो ये सारे, बहुत सारे हमने डायग्राम नहीं बनाए, अगर आप चाहें तो और बना सकते हैं इसमें, कि यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आया और ये भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। इसी तरह से ये भी और एक ले सकते हैं, ये इंसिडेंट हुआ है ना, और ये सब जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के और यहाँ से ही होकर के पास करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से पास करेगा, इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर के ये भी यहाँ से पास करेगा है ना। तो इस तरह से ये सारे जो है यहाँ से पास करेंगे, और जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई है ना, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो ये सारे यहाँ से पास कर रहे हैं, जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसको हम कहेंगे क्या, फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे फोकस जिस पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया कि ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये हो गया कनकेव मिरर का फोकस ऑफ, और इसका मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर की। तो फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर पहले बनाए है ना, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है। तो कन्वेक्स मिरर हमें बनाना है पहले, ये कन्वेक्स मिरर हो गया हमारा है ना। अब ये कन्वेक्स मिरर में हम क्या कर लेते हैं कि ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए ना। तो ये कन्वेक्स होना चाहिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पी मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया हमारा P। इसका स्फेयर ऐसा था तो इसका सेंटर इधर होगा C। अब यहाँ पे इस स्फेयर का सेंटर C हो गया, इधर से ये जो है ये कलर किया हुआ है, ये कलर किया हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। अब इसमें आप देखते हैं कि यहां से अगर कोई हम रे ऑफ लाइट ले इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, ये अगर कोई रे ऑफ लाइट लेते हैं तो ये किधर जाएगा, आप सोचिए। रे ऑफ लाइट अगर आप लेते हैं इधर से कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन, ये आपने एक रे ऑफ लाइट लिया, तो यहां पे रे ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंस हुआ, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल यही होना चाहिए जो यहाँ पे सेंटर से और पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो ये होगा,
है ना, ये नॉर्मल होगा, ये सेंटर से ज्वाइन कराने वाला। इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है तो ये बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलिए बनाया नहीं बनाया, है ना। अब लाइट इधर तो जा नहीं सकता तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, जरा सा बना देता हूँ, एक मिनट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इसका इधर की तरफ जाएगा नहीं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होगा। इस तरह से एक और पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से लेते हैं तो ये नॉर्मल होगा क्योंकि सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होगा। यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो इधर तो जा नहीं सकता, तो क्या होगा, इधर ही वापस आएगा। ये तीनों ही रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे को मिल नहीं रही, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये मिल नहीं रही। ऐसे ही अगर और पैरेलल रे करें इनको तो ये सारी रिफ्लेक्ट होकर के इधर ही आएंगी, उधर तो जाएंगी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसको अगर एक्सटेंड किया जाए इसको, तो ये लग रहा है कि ये सब जा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे मिल रही है, ये जो रे हैं ये और ये जो रे हैं ये सब आपस में मिल रही है कहीं ना कहीं, और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये रे ऑफ लाइट लिया, ये भी इधर की ओर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, ये भी यहाँ से होकर के आएगा। ऐसे ही अगर ये रे ऑफ लाइट लिया जाए ये भी रिफ्लेक्ट होकर के इधर की ओर आएगा और ये भी इधर की ओर करके लगेगा कि मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये लगेगा कि मिल रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो ये वास्तव में नहीं मिलते, दे आर नॉट मीट, दे डू नॉट मीट एक्चुअली, बट इट सीम्स टू मीट, इसलिए हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सिम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपीयर्स टू मीट, सिम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये जो होगा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में, इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, देयर फोर फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज नॉट रियल बट वर्चुअल, इज वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स नॉट एग्जैक्टली मीट बट इट सीम्स टू मीट, सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस राइट ना, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस, वर्चुअल, एंड वेयर एज फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल, फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल, कनकेव मिरर इज रियल, रियल फोकस, ये है वर्चुअल फोकस, फोकस है। तो एक डेफिनेशन कॉमन अगर कहीं कहा जाए कि स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कोई पूछे या डेफिनेशन लिखना हो तो क्या कहेंगे, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर अगर लिखना हो कोई डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या कहेंगे, लिखेंगे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऐसे फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कलर चेंज कर देता हूं, फोकस
फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज, ऑल द इंसिडेंट रेज रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट और सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। दोनों बातें आ गई, मीट और सीम्स टू मीट, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मीट और सीम्स टू मीट। मीट किस में? कनकेव मिरर में। सीम्स टू मीट किस में? कन्वेक्स मिरर में। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गया कि फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और ये बात भी आपको पता चल गई। तो फोकस ऑफ, इसमें दो करेक्टरिस्टिक भी है, जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये सारी रेज जो आ रही हैं, वो सारी रेज यहाँ पर लग रहा है कि जमा हो रही है। जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू, सब जमा हो रही है, ऐसे आ करके ऐसे जाके जमा हो रही है। तो इसको कहते हैं, जमा होने को कहते हैं कन्वर्ज। तो इसलिए कनकेव मिरर को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ, सिंस ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, इट सीम्स टू कन्वर्ज, एक्चुअली कन्वर्ज एट दैट पॉइंट। सो दैट इज वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर याद रखें इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि सारी रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे, कन्वर्ज हो रही है, जमा हो रही है, डिपोजिट हो रही है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। ये बात दिमाग में रखना है कि कनकेव मिरर ये कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वेक्स मिरर को क्या कहेंगे? तो कन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे कि ये लग रहा है कि सारी की सारी जो रे है वो इधर से, कोई अगर देखे इधर से तो उसको लगेगा कि सारी रेज यहीं से इधर की ओर आ रही है। ये जितनी रेज आ रही है वो सारी के सारी इधर से ही आ रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये सब इधर ही आ रही है रेज। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से ऐसा हो रहा है कि जिससे डाइवर्ज हो रहे हैं, निकल रहे, डाइवर्ज मतलब फैलाव, तो ऐसा डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो ये होता है कि कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। याद रखें कि कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, यहां लिख देता हूं, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं, समझ में आ रही बात? डाइवर्जिंग मिरर, ये याद रखें, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द, कोई पूछे कि व्हाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, लिखोगे सिंस ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट ऑन दिस मिरर इट सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड हेंस कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। तो ये जो चीजें हैं, ये आपने समझ लिया कि फोकस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी बातें आप समझ गए। अब हमें इसमें बात करना है इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन की, इसमें इमेज कैसा बनता है, तो इमेज क्या होता है,
रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर में आपने देखा है कि जब रिफ्लेक्ट होकर के प्लेन मिरर में भी, और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं या अपीयर होता है कि ऐसा मिल रहा है, तो उसका इमेज बनता है, ठीक है ना। तो अगर ये वास्तव में मिलता है तो उस इमेज को कहेंगे रियल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअली में एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और अगर एक्चुअल में नहीं मिलते हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं, इट सीम्स टू अपीयर दे मीट एट द मीट, एंड दस टाइप सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। तो इमेज रियल और वर्चुअल कब होगा ये आप समझ गए। रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअल में मिलते हैं तो रियल इमेज होता है, अगर एक्चुअल में नहीं मिलते बट ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं, इट अपीयर्स टू मी, तो उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज ये दो बातें होती हैं, आप समझ गए इस बात को। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम 3 रेज लेना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये आप याद रख लें। तो हम कम से कम 2 से भी काम चल जाएगा, बट आउट ऑफ 3 कोई भी हम 2 स्टेप ले सकते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट ईच अदर, एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट रेज मीट ईच अदर एक्चुअली, ठीक है। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज appears to meet, to appear to meet each other, appear to meet each other, meet each other, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्चुअल इमेज बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है, और आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो एक रे करेक्टरिस्टिक थोड़ा सा भी समझ लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट लेंगे तो वो डायरेक्टली क्या होगा, वो फोकस से होकर के जाएगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर, एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट सीम्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। ये बात एक दिमाग में रखना है कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर इट विल पास थ्रू फोकस, और इट विल से और इट सीम्स टू अपीयर पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जो भी रे ऑफ लाइट होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट होगा, वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, इधर से गया इधर से वापस आ गया। ये कन्वेक्स मिरर में भी होता है और ये कनकेव मिरर में भी होता है कि जो इधर से जाएगा वो इधर से ही वापस आ जाएगा। तो दो बातें ये हो गई कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो फोकस से होकर के या तो जाएगा या ऐसा लगेगा कि जा रहा है। दूसरा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के अलोंग जाएगा वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। इसमें एक ही लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है कोई आपसे पूछ दे तो आप बताएंगे कि बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इसमें वो 0 होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देयर फॉर इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द लाइंस द रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम अलॉन्ग सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, नॉट इन सेम डायरेक्शन, जा तो इधर से रहा है आ इधर से रहा है। तो ये है दूसरा। तीसरा कि
कि अगर हमने ये कहा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होकर के जाएगा, और तीसरी बात यह है कि अगर फोकस से होकर के जा रहा है, इफ एनी रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये तीन बातें नोट कर लीजिए आप, ठीक है, तब हम आगे बात करेंगे। फॉर इमेज फॉर्मेशन टेक एनी टू आउट ऑफ थ्री। फॉर इमेज फॉर्मेशन ठीक है, टेक एनी टू, टेक एनी टू एज पर कन्वेनियंस, कन्वेनियंस ठीक है। क्या क्या लेंगे, दो बातें, पहला कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर टू पास पास थ्रू फोकस, अपीयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द मिरर ठीक है। ये रूल याद रखना, ये रूल है सर, रूल है ठीक है। दूसरा, एनी रे इंसिडेंट, इंसिडेंट इफ एनी रे इंसिडेंट थ्रू थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इट विल रिटर्न बैक, इट विल रिटर्न बैक अलोंग सेम लाइन, रिटर्न बैक अलोंग सेम लाइन। लॉजिक क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है जीरो। तीसरी बात जो है वो क्या है कि इफ ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, फोकस इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है। अब इन तीन में से कोई भी दो लेंगे और दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेंगी, जहां पे मिलेंगी या ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, वहीं पर इमेज बनेगा ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि आउट ऑफ द थ्री रूल्स you can take any two rules as per your convenient and you will find that where the two reflected rays meet there will be image ठीक है। तो ये रेज आती कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से रिलीज होती है, ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट होती है, और ये जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप समझेंगे, पहले कॉनकेव मिरर की फिर कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उसके बाद आगे की बात होगी ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए ठीक है ना, अच्छी तरह से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम ज्यादा एलेबरेटिव पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि सभी को समझ में आसानी से आ जाए, आधा घंटा एक घंटा फालतू टाइम लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट चीजें जो है अच्छी तरह से दिमाग में अटक जाना चाहिए। पढ़ा तो ये सारी चीजें आपने क्लास 8 में भी होगा, लेकिन कितना आपके दिमाग में होगा मैं श्योर नहीं हूँ। तो कुछ बच्चे जो बेसिक नहीं समझे उस समय याद किए होंगे, उनको समझने के लिए इतना हमने इलेबोरेटिव
बताया है, आप इसको अच्छी तरह से, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है कि ये समझे कि कोई चीज क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है। कोई नाम भी रखी जा रही है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो क्यों रखा गया है, किसको कन्वर्जिंग कहेंगे। बच्चे रटते हैं और रटते हैं और कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग और डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं होता है। वो याद करते हैं तो अब याद करते हैं कि एक को तो कन्वर्जिंग कहते हैं, लेकिन किसको कहते हैं ये नहीं पता। लेकिन आपने कंसेप्चुअली देख लिया कि कंकेप में ही कन्वर्ज हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उसी को कन्वर्जिंग कहेंगे, है ना। और डाइवर्ज का मतलब क्या है, फैलने वाला। तो फैलने वाला किसमें है, कन्वेक्स का नेचर है, इसलिए कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग कहेंगे। तो जब आप ये सारी चीजें लॉजिकली समझोगे तो फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी और मजा आएगा। और अगर ये सारी चीजें रटने की कोशिश करोगे तो फिजिक्स में तो आपको बोरिंग लगेगी और कल को परेशानी भी होगी। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से इसको समझिए, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक आध घंटे क्लास में ज्यादा लग जाएगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन चीजें जो समझ में आए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। ठीक है, गॉड ब्लेस।